अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। हमने मंडला अध्यक्ष जी को पूरे प्रस्ताव की कॉपी हमने व्हाट्सएप पे डाली थी, बताया था सर ये क्या है। मैं कुछ मेरे जिले के अपने ब्लॉक वाइज मतलब विधान और काम में करता है, मेरे इसमें जनजाति भी नहीं है, नहीं केवल अनुसूचित जाति जी जी। तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आप जो भी दे सकते हैं वो, और अभी तक कोई काम पेंडिंग या काम कार्यरत चल रहा है उसकी बता दीजिए। कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जनपद को कैसा दावत दे चुकी है और अपने देवास में है, साबुखड़ी में और ढाबला में खुले निर्माण, युवकपुरा में डीपी सीसी रोड का निर्माण देवास में तीन। ये आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं कि रोड देना है या देना? हम लोग प्रस्ताव मंगवाते हैं, वो प्रभारी मंत्री मैडम को पूरी फाइल अपडेट करवाते हैं, पूरे प्रस्ताव अभी जैसे बालक बाकी सब शहर में। और अपनी बस्ती विकास मेन स्कीम जिसमें 23-24 में एससी में था 61.79। एक अमरावती का है मामला तो जहाँ पर टंकी का पोजिशन है, टंकी जैसे सरपंच साहब गिलानी पा रहे हैं, उनका ये कहना कि मेरे को यहाँ पर जो है स्थिति नहीं है, तो अभी मेरे तहसीलदार साहब से बात हो गई, हम दोनों उसको पॉइंट आउट करके बताएंगे। समीक्षा बैठक भी ली है, आपकी चर्चा भी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हर विधानसभा की विभागवार समीक्षा बैठकें होनी है हर 3 महीने में, तो देवास विधानसभा ने शुरुआत की है अपनी समीक्षा बैठकों की और आज ये पहली समीक्षा बैठक थी, जिससे हमने हर डिपार्टमेंट की अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा की है और अगले 3 महीने बाद फिर करेंगे। आपने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि जो विधानसभा में कुछ कार्य रुके हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो काम रुके थे, जो अड़चने थी, उनको डिस्कस किया गया, कैसे बेहतर तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकता है उसके बारे में चर्चा की गई, जो रुके हुए काम थे उनको इस तरह से और गति दी जाए, और जो सैंक्शनड है काम पर काम चालू नहीं हो पा रहे हैं उनको कैसे जल्दी टाइम लिमिट में कम्प्लीट किया जाए, हर कामों की टाइम लिमिट भी बांधी हमने, तो बहुत अच्छी सकारात्मक बैठक।